आज हम टमाटर की कढ़ी बनाएंगे, पके पके लाल लाल टमाटर लिए, उसके लगेगा आधा आधा टीस्पून अदरक लहसुन, एक प्याज बारीक कटा, 7-8 हरी मिर्च संभार। अब गैस चालू कर लिया हमने, अब टमाटर को 2 सीटी देंगे, 2 ग्लास पानी डालेंगे, और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। दो सीटी हो गया है, अभी इसका छिलटा निकाल लेंगे। गरम है, सावधानी से करेंगे, सबका छिलटा ऐसे ही निकालेंगे। निकाल ली हमने छिलटा, बाकी सबका भी निकाल लेंगे ऐसे। छिलटा निकाल लिए, ये कुकर में जो पानी है वो वापरने में लाएंगे। अभी सभी टमाटर का जूस निकाल लेंगे मसक मसक के। जूस निकाल लिया हमने, और जो मोटा मोटा है उसको मिक्सर में पीसेंगे। पहले अच्छे से ठंडा कर लेना सब, मोटा मोटा भाग पीसेंगे। ठंडा करके पीसना, पीस लिया हमने, और जूस में मिला देंगे उसको। गैस में गंज चढ़ा दिए, एक कटोरी तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, आधा आधा टीस्पून राई जीरा, कड़ी पत्ता का तड़का देंगे। लाल हो गया है, हरी मिर्ची प्याज डालेंगे, आधा कच्चा पक्का रखेंगे प्याज, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। भुना गया है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 मिनट भून लेंगे। भुना गया है 2 मिनट, 1-1 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला है, स्वाद के हिसाब से नमक, इसको भी मीडियम आंच में अच्छे से भून लेंगे। संभार, इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। अभी हम टमाटर का जो जूस बना के रखे वो पूरा डाल देंगे, और कुकर में जो पानी था वो भी डाल देंगे। 1.5 ग्लास पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कितना गाढ़ा पतला रखना है। अभी तेज आंच में अच्छे से उबलने देंगे उसको, अच्छा 5 मिनट तेज आंच में उबलने देना। पाँच मिनट पक गया है, अब समार डालेंगे। हमारी टमाटर की कढ़ी तैयार है, कैसा बना लाइक ज़रूर करें।